नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। SSC CHSL 2017 के फाइनल रिजल्ट के आने के बाद सबसे ज्यादा वेट जो था हर किसी स्टूडेंट का वो था नॉमिनेशन लिस्ट का, और नॉमिनेशन लिस्ट जो कि था MPR रीजन के द्वारा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। बट मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हर रीजन के नॉमिनेशन लिस्ट आते चले जाएंगे मैं वीडियो बनाते चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे सबसे यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर एक लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट पे, नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ CHSL 17, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक लिस्ट एक डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही टोटल लिस्ट को आप देखोगे तो इस पूरे को आप देख सकते हो। यहाँ पर संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2017 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अभ्यर्थियों के नाम के समय दर्शाए गए कार्यालयों एवं तिथियों में उनके डोजियर्स भेज दिए गए हैं। संबंधित कार्यालयों द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 3 से 4 माह का समय लग सकता है, ठीक है। मतलब 3 से 4 मंथ का समय अभी भी आपको लग सकता है। और जिन जिन कैंडिडेट्स के नाम इसमें दिख रहे हैं उनका जो रैंक दिया हुआ है और रिजेक्शन प्रोविजन दिया हुआ है और साथ ही साथ उनका नॉमिनेशन डेट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो और प्रोविजनल नेम से आप किसी को भी डरना नहीं है। द रीजन इज दैट कि प्रोविजनल में सिर्फ यही चीज होती है कि आप सभी का देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह सही है या नहीं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है उन सभी को चेक किया जाता है। मैं एक बार धीरे धीरे करके इस पूरे लिस्ट को स्क्रॉल कर देता हूँ, तब तक आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि MPR रीजन में 83 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बनाने के मकसद बस इतना ही था कि आप सभी को बताना था कि नॉमिनेशन लिस्ट MPR रीजन का आ चुका था। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।